तो चलिए फ्रेंड्स, आज बनाते हैं हम लोग कढ़ाई चिकन, जो कि बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब बनेगी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनेगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कढ़ाई चिकन बनाने के लिए कढ़ाई मसाला तैयार कर लेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए अब बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा देना है। उसके बाद एक टीस्पून हम यहाँ पे सौंफ डालेंगे, एक टीस्पून यहाँ पे हम धनिया डाल देंगे, एक टीस्पून क्यूमिन सीड्स डाल दें, हाफ टीस्पून यहाँ पे मैंने ब्लैक पेपर डाला है, 5 से 6 यहाँ पे मैंने लौंग डाला है, साथ ही में 2 हरी इलायची, और लास्ट यहाँ पे हम 2 कश्मीरी रेड चिली जो होते हैं खड़े वाले वो डाल देंगे। आप चाहो तो नॉर्मल मिर्च भी डाल सकते हो। और बस इसे हमें हल्का भूनना है, उसके बाद हल्का ठंडा कर ले, फिर इसे मिक्सर ग्राइंडर जार में हमें पीस लेना है। बिल्कुल फाइन भी पाउडर नहीं बनाना है, हल्का दरदरा ही पीसे, बिल्कुल देखिए इस तरीके का पीसना है हमें। और अब हमें प्याज टमाटर की एक ग्रेवी तैयार करनी है, तो मैंने उसी कढ़ाई में 2 टेबलस्पून यहाँ पे तेल डाला है। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाए तो यहाँ पे मैंने 2 प्याज को इस तरीके से बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। इसे अब डालें और उसके बाद हल्का हमें इसे भून लेना है, जब तक कि प्याज का जो कलर है वो हल्का चेंज नहीं हो जाए। और अब यहाँ पे फ्रेंड्स, मैंने 3 टमाटर को काटा है बड़े बड़े टुकड़ों में और इसे भी डाल देंगे। साथ ही में यहाँ पे मैंने 2 कश्मीरी रेड चिली डाला है, जो कि इसे मैंने बीच से तोड़ दिया, उसके बाद डाल दिया है। 9 से 10 यहाँ पे मैंने काजू डाला है, 1 टीस्पून नमक डाल दिया है। और अब फ्रेंड्स, टमाटर को गलने तक पका लेना है। तो अब फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे टमाटर हम अच्छे तरीके से गल चुका है, तो अब यहाँ पे हम 1/2 कप के तकरीबन पानी डालेंगे और इसे लगभग हम 4 से 5 मिनट के लिए पका लेंगे। उसके बाद हमें इसे हल्का ठंडा करना है, फिर मिक्सर ग्राइंडर जार में इसे हमें पीस लेना है, बिल्कुल फाइन पेस्ट बना लेना है। बिल्कुल देखिए इस तरीके का फाइन पेस्ट तैयार कर लेना है हमें। तो अब हम चिकन बनाने की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 केजी चिकन को पहले ही मैरिनेट होने के लिए रख दिया था 1 घंटे पहले ही। इसमें मैंने डाला था हल्दी, नमक और मिर्च डाला था और इसे मैरिनेट होने के लिए रख दिया था। तो अब हमें एक पैन में 1.5 टेबल स्पून ऑयल डालना है, उसे अच्छे से गर्म करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने 1 शिमला मिर्च के बल्ब कट कर लिए हैं और 2 प्याज का यहाँ पे मैंने बल्ब कट किया है, इन सबको डालेंगे और उसके बाद इसे हमें हल्का सा फ्राई कर लेना है। अगर फ्रेंड्स आपको थोड़े से क्रंची वाले पसंद है तो आप इसे लास्ट में डालना। मैं यहाँ पे इसे अभी फ्राई कर ले रही हूँ क्योंकि मुझे इतने कच्चे पसंद नहीं है। तो अभी यहाँ पे देखिए अच्छी तरीके से फ्राई हो गया, तो मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेना है। और इसी पैन में हम 2 टेबलस्पून तेल और डालेंगे। तेल को गर्म हो जाने के बाद यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून जीरा डाला है, 1 यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने तेजपत्ता डाला है, 1 दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे, 1 यहाँ पे मैंने बड़ी इलायची डाला है। हल्का सा इसे अब सॉटे कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने 2 बड़े प्याज को फाइनली चॉप करके डाल दिया है। अब इसे भी हमें लगभग इसे 1-2 मिनट के लिए भून लेना है, जब तक कि प्याज का जो है बिल्कुल कलर चेंज नहीं हो जाता है। तो अब फ्रेंड्स देखिए, प्याज जो है हमारा अच्छी तरीके से भून चुका है, तो हम यहाँ पे 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल देंगे और इसे वापस से हमें 1-2 मिनट के लिए भून लेना है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे अच्छी तरीके से भुनाई करने के बाद जो है हमारा प्याज भी हल्का लाल हो चुका है, तो हम यहाँ पे मैरिनेटेड चिकन डाल देना है। तो अभी फ्रेंड्स देखिए, मैंने सारे चिकन के पीसेस डाल दिया है, तो अभी इसे हमें लगभग 8 से 10 मिनट के लिए भून लेना है और इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही भूनिएगा। इससे क्या होगा, जो हमारा चिकन है वो आधा पक जाएगा। अभी यहाँ पे फ्रेंड्स मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो गया है, जो मेरा पैन था वो छोटा पड़ गया था, तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई में ट्रांसफर कर लिया इसे। तो अब हमें इसे ढक ढक के पका लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, हमारा चिकन जो है वो 10 मिनट के बाद 1/2 कुक हो चुका है, इसमें जो पानी था वो भी रिलीज हो चुका है। तो अब यहाँ पे हम 1/2 कप बारीक कट किया हुआ टमाटर डाल देंगे, साथ ही में यहाँ पे कुछ सूखे मसाले डालेंगे। तो 1/2 टीस्पून यहाँ पे मैंने हल्दी पाउडर डाला है, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर डाल देंगे, 1/2 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल देंगे, 1/2 टीस्पून क्यूमिन पाउडर डाल दे और 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर डाला है। अब इन मसालों के साथ हमें 10 मिनट के लिए वापस से भून लेना है ढक ढक के। तो अब 10 मिनट के बाद जो है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए जो चिकन है हमारा वो अच्छी तरीके से कुक हो चुका है, इसमें जो तेल है वो भी रिलीज हो चुका है। तो इसी स्टेज में हम यहाँ पे हमने जो पहले ग्रेवी तैयार करा था प्याज टमाटर की, उसे डाल देंगे और इसे अच्छी तरीके से हमें मिला लेना है। और उसके बाद हमें इसे ढककर लगभग 5-6 मिनट के लिए और कुक कर लेना है मीडियम फ्लेम पे। अब 5-6 मिनट के बाद कुक होने के बाद हम यहाँ पर ढक्कन हटाएंगे, तो यहाँ हमारा चिकन जो है वो अच्छी तरीके से कुक हो चुका है। तो इसी स्टेज में हम फ्राई किया हुआ शिमला मिर्च और प्याज है उसे डाल देंगे, साथ ही में जो कढ़ाई मसाला हमने तैयार किया था उसे आप डाल देंगे और अच्छी तरीके से इसे मिला ले। उसके बाद हमें 1 टीस्पून कसूरी मेथी डालना है और साथ ही में बारीक चॉप किया हुआ धनिया का पत्ता। अब इन दोनों चीजों को डालने के बाद इसे हल्का सा चलाएं और उसके बाद जो है हमारा जो है कढ़ाई चिकन बनकर रेडी है। आप इसे नान के साथ, राइस के साथ या रोटी के साथ एंजॉय कर सकते हो। मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगी कि आप नान के साथ खाओ, बहुत ही मजेदार लगेंगी, बहुत ही अमेजिंग लगेंगी आपको ये खाने में। तो एक बार इस रेसिपी को घर पर बना के जरूर ट्राई करना, बहुत ही मजेदार लगेंगी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो फ्रेंड्स इसी के साथ करते हैं आज के वीडियो को एंड, मिलते हैं आपको नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय।